के रसूल की मोहब्बत दिलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा उमट के आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सकती है, इसके ऊपर भी मैं इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालूंगा। इसी तरह से छठी बात जो मेरी होगी मेरे लेक्चर की, मेरे तकरीर की, वो ये होगी कि मोहब्बत रसूल की निशानियां क्या हैं, उनके अलामात क्या हैं, उनके परिचय क्या हैं, उनके पहचान क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, ये शख्स अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता, क्या अलामतें हैं, क्या मज़ाहिर हैं उसके। इसी तरह से उसके बाद जो मरहला आता है इत्तेबा का आता है, पैरवी का आता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये मफहूम भी पिन्हा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करो, तो इस इत्तेबा का मफहूम क्या है, इसका माना क्या है। इसी तरह से जिस तरह मोहब्बत हर उम्मती के ऊपर फर्द है फर्दन फर्दन, इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करना, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी पैरवी करना, उनकी तालीमात को अपने आंखों से लगाना, सरों के ऊपर रखना और अमलन उसका इजहार करना उम्मत के एक एक फर्द के ऊपर फर्ज है। आप पर, आप पर, आप पर, आप पर, बाप पर, बेटे पर, पोते पर, पड़ पोते पर, दादा पर, पड़ दादा पर, मां पर, बहन पर, सबके ऊपर, मर्द हो या औरत हो, एक साथ और पर, सबके ऊपर यह फर्ज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करे। इसी तरह से इस इत्तेबाए, जब हम रसूल की इत्तेबा करेंगे तो उसकी निशानियां क्या हैं, उसके मज़ाहिर क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं, ये वो और भी इसके अलावा पॉइंट्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं अगली मजलिस में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये पॉइंट्स हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे अपनी इन तकरीरों में। अब एक सवाल ये होता है कि हमने ये मौजू क्यों चॉइस किया, क्यों हमने ये टॉपिक आपके सामने रखा, क्यों, क्या कारण है इसके, क्या सबब है, क्या रीजन है इसके कि हमने ये बात आपके सामने रखी कि मोहब्बत रसूल के तकादे या मोहब्बत रसूल का माना वो, आखिरकार ये हमने क्यों इख्तियार किया ये मौजू, उसके कुछ वजूहात और उसके कुछ असबाब और उसके कुछ इलल हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो अव्वलन तो ये है कि जब कलमे तौहीद के माने मफहूम को आपने समझ लिया तो कलमे तौहीद का एक हिस्सा जो तौहीद उलूहियत के ऊपर मबनी है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ऊपर हमने रोशनी डाली तो हमने मुनासिब समझा कि लगे हाथों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दूसरा हिस्सा है, जुज है, ये रिसालत से मुताल्लिक है, इसके भी माने और मफहूम को, इसको भी आपके जहनों में, आपके दिमागों में मैं बिठा दूं और इसके भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही माने और मफहूम को आप तक मैं पहुंचा दूं। एक तो ये, दूसरी वजह ये है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ये अरकान ईमान का एक बुनियादी रुकन है, ये मोहब्बत रसूल रुकन ईमान है और उसके, और जब जब ईमान के अंदर कमजोरियां पैदा होंगी ऑटोमेटिकली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदर भी कमजोरियां और ज़ौफ पैदा होंगी। तो आज उम्मत के अंदर चूंकि ईमानी कमजोरी पड़ चुकी है, दाखिल हो चुकी है और वो ज़ौफ पैदा हो चुका है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो जज्बा भी मफकूद होता जा रहा है, नापैद होता जा रहा है, मोहब्बत के वो जज्बे भी धुंधले होते जा रहे हैं। अब आप ये ना समझे मोहब्बत के जज्बे वही हैं, मोहब्बत के जज्बे आप ये सोचें कि कराची और लाहौर और बॉम्बे और बेंगलोर और क्या कहते हैं लखनऊ के रोडों के ऊपर जो मोहब्बत के जज्बे नजर आ रहे हैं वो नबी करीम के मोहब्बत के आला नमूने और जज्बे हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उसका जर्रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है, वो शिकम परवरी से उसका ताल्लुक है, इस पेट से उसका ताल्लुक है, समझ रहे हैं आप। तो आप यहां समझे कहां मोहब्बत रसूल के जज्बे फोक, तो मुसलमान तो ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं, मुसलमान तो फाते कर रहे हैं, मुसलमान तो ग्यारहवीं कर रहे हैं, मुसलमान तो ईसाले सवाब कर रहे हैं, कब्रों के ऊपर चिमटे हुए हैं, उर्स कर रहे हैं, मेले कर रहे हैं, कहां मोहब्बत रसूल के जज्बे फोत हुए। ये मोहब्बत रसूल नहीं है, मोहब्बत रसूल का असली जो जौहर है, जो अल्लाह ने हमें बतलाया है, रसूल ने हमें बतलाया है, वो जौहर या वो आईना धुंधला होता जा रहा है। लोग ईमान की कमजोरियों की वजह से मोहब्बत रसूल के जज्बे, वो आतिश या वो आग जो उनके अंदर शोले जल रहे थे, वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। उस ठंडक को गर्मी के अंदर चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए, उसके अंदर वही चिंगारी पैदा करने के लिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस मौजू को आपके सामने वाज़ह तौर पर बयान करूं। तीसरी वजह इसकी यह है कि चूंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार और बजामे खेश आशिकान नबी का लेबल लगाकर गली गली, डगर डगर, रोड पर, सड़कों पर, हर जगह इसके मुजाहरे हो रहे हैं कि हम सच्चे आशिक हैं, हम सच्चे रसूल, हम रसूल के सच्चे पक्के जो है क्या कहते हैं मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमने सोचा, जरूरी समझा कि सच्चे आशिकों में और झूठे आशिकों में, झूठे दावेदारों के दरमियान ये
फर्क बयान कर दिया जाए लोगों के सामने, ताकि उस फर्क की रोशनी में लोग समझ लें ये झूठा आशिक है और ये सच्चा आशिक है, ये दावा झूठा कर रहा है। कुछ वसूल और जाबते बयान कर दिए जाएं ताकि आसानी आसानी के साथ आप दावेदारों का पता लगा सकें कि ये झूठा है ये सच्चा है, और सच्चे आशिकों की भी पहचान हो सके, झूठे आशिकों की भी पहचान हो सके। चौथा सबब और चौथी वजह इसकी यह है कि कुछ सूफियों और मक्कार और अय्यार किस्म के शिकम परवर बुरे उलमा ने, और इसी तरह से खानकाहों में बैठे हुए सज्जादा नशीनों ने, और पगड़ियां बांध के रंग बिरंगे ड्रेस और लिबास पहनकर पीरों और मुर्शिदों ने, इनके वरगलाने और इनके बहकाने की वजह से उम्मत का एक कसीर तबका जहालत के ऊपर जो मबनी तबका है, जिसके अंदर लाइल्मी है, जाहिल है, वो बेचारे कुरान हदीस से नाशना है, ऐसे लोगों ने ये समझ लिया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी मतलब और उसका मफहूम यही है कि उनकी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी ज्यादती की जाए और उनकी शान में इतनी तारीफ की जाए कि वो अल्लाह के मकाम और मर्तबे में पहुंच जाए, उलूहियत के मकाम और मर्तबे में पहुंच जाए, यही मोहब्बत रसूल उन्होंने समझा हुआ है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इस पर्दे को चाक करें और मोहब्बत रसूल बतलाएं कि मोहब्बत रसूल वो नहीं है जो नबी की शान में गुलू करके जो तुम समझते हो, और इसी तरह से उनके मकाम और मर्तबे में जो तुम गुलू करते हो, ये दीन नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत तो आईने ईमान है, लेकिन जो नबी की शान और उनके मकाम और उनके मर्तबे में जो तुम गुलू कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, नबी के मकाम से हटा के उन्हें उलूहियत के मकाम पे रख रहे हो, ये सरासर गुमराही और सरासर कुफ्र है। ये बताने के लिए मैंने इस मौजू को इंतखाब किया और आपके सामने इसको रखा। पांचवी वजह इसकी यह है कि यह मौजू बयान करने की जरूरत यूं भी हमने महसूस की कि आज बहुत सारे बुरे उलमा, और यही उम्मत का एक ये जो तबका है पीर मुर्शिद का, खानकाहों में बैठे हुए लोगों का, ये जो मुसलमानों को जो गुमराह कर रहे हैं कब्रों के नाम पे, वलियों के नाम पे, सालहीन के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, तो इनके और इन्होंने लोगों को यह बताया हुआ है कि जो इनके इन फासिद और बातिल अकीदों की मुआफ़कत करे, इनके बातिल और झूठे अकीदों के जिस तरह हैं उसी तरह का अकीदा रखे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, वो सच्चा पक्का अल्लाह का आशिक है, और जो तौहीद व सुन्नत को अपनाए, सच्चा पक्का मुआहिद हो, कुरान व सुन्नत के लिए कुरान व सुन्नत की दलीलें मसलों के अंदर तलाश करे और अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को ढूंढे कि ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है, और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करे, तो इन लोगों ने जाहिलों को बताया हुआ है कि ये वहाबी लोग हैं, इनसे दूर रहना, इनकी मजलिसों में न बैठना, इनकी बातें न सुनना, ये गद्दारे मुस्तफा हैं, ये जो है दुश्मनाने मुस्तफा हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और मजहब पर नहीं है, ये नबी की तौहीन करते हैं, ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, नबी को यह कहते हैं, ये दारे इस्लाम से खारिज लोग। इस तरह के शुभात उम्मत के अंदर पैदा करके उन्हें मुतनफिर किया हुआ है। तो इस वजह से भी मैंने मुनासिब समझा कि इस पर्दे को चाक करने के लिए, इसको लोगों के सामने वादे करने के लिए आपके सामने मैं इस टॉपिक को बयान करूं। तो इन्हीं वजूहात और असबाब की वजह से मैंने इस मौजू को मुंतखब किया है, और अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बात कहने, सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अदा फरमाएं, और अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अदा फरमाएं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, ऐ अल्लाह हमें हक को हक समझने की तौफीक अदा फरमा और उसके ऊपर इत्तिबा की तौफीक अदा फरमा, और ऐ अल्लाह हमें बातिल को बातिल समझने की तौफीक अदा फरमा और उससे परहेज करने की तौफीक अदा फरमा, और हमें हक गोई और जुरात और बेबाकी अदा फरमा कि हम तेरे दीन को लोगों के सामने वाज़ह तौर पर खोल खोल कर तेरे कलाम और तेरे नबी की अहादीस की रोशनी में लोगों के सामने बयान करें, और इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियां, जो भी आजमाइशें हमारे सर पे आएं, अल्लाह तू उन्हें आसान फरमा, और जो भी नियतें और जो भी दिल, ए अल्लाह
ऐसे लोगों की बुराइयों के अंदर और जो भी निगाहें ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाएं, ऐ अल्लाह उनके कैद, उनके मकर और उनके फरेब और उनके चालों को उन्हीं के ऊपर फेर दे, ऐ अल्लाह उन्हें उन्हीं के ऊपर उस मकर और फरेब को फेर दे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।